हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत गाई थी बीपीएल या फिर गुलाबी राशन कार्ड बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो जो आपकी शिकायत है वो तो अप्रूव हो चुकी है लेकिन अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में देते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपकी मेरे पास लगातार कमेंट आ रही हैं कि सर हमने बीपीएल राशन कार्ड या फिर गुलाबी राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस लगाई थी, लेकिन हमारी जो ग्रीवेंस है वो एक दो महीने पहले या फिर एक दो दिन पहले अप्रूव हुई है, एक दो हफ्ते पहले अप्रूव हुई है, लेकिन अभी तक जो राशन कार्ड है वो हमारा नहीं बना है। तो दोस्तों अगर आपने शिकायत लगाई थी और जो आपकी शिकायत है वो अप्रूव हो चुकी है तो आपको फिर चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको चिंता इसलिए हो जाती है क्योंकि आप शिकायत लगा देते हैं, शिकायत अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन जो आपकी शिकायत है वो अप्रूव हुए एक डेढ़ महीना हो चुका है, दो महीने हो चुके हैं, लेकिन शिकायत अप्रूव होने के बाद भी आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उसका कारण यह है, अगर आपका बिल्कुल नया राशन कार्ड बनना है, पहले आपका राशन कार्ड नहीं था, बिल्कुल नया राशन कार्ड अगर आपका बनना है तो मैं आपको बता दूं अभी तक हरियाणा सरकार ने एक बार दिसंबर महीने में जो नई राशन कार्डों की लिस्ट जारी की थी उसके बाद बिल्कुल नए राशन कार्ड फिर से हरियाणा सरकार ने जारी नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों जो राशन कार्ड उस समय रद्द हो गए थे और वो जो राशन कार्ड हैं उस राशन कार्डों की लिस्ट हर महीने आ रही है, यानी दोस्तों कटे हुए जो राशन कार्ड हैं वो तो हर महीने बन रहे हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल नई लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड कट गया था और वो फिर से बनना है तो आप एक दो दिन का इंतज़ार करें क्योंकि अब फिर से एक लिस्ट आने वाली है और दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, उस समय एक बार आप अपना नाम चेक कर लेना। और अगर दोस्तों नई बिल्कुल फ्रेश लिस्ट भी आती है तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये चिंता हो रही है कि ग्रीवेंस अप्रूव हो चुकी है लेकिन हमारा अभी तक नाम नहीं आया लिस्ट के अंदर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कारण यही है, अगर आपका राशन कार्ड कट गया था वो तो दोस्तों अगर अभी तक नहीं बना है और आपके फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम या 1,80,000 तक है या कोई भी आपकी फैमिली आईडी में फिलहाल एक्सक्लूजन रीजन नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि जो कटा हुआ राशन कार्ड है वो एक दो दिन में जो और नई लिस्ट आने वाली है उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल जो नई लिस्ट है वो दो तीन महीने से हरियाणा सरकार ने एक बार नई लिस्ट जारी करने के बाद दिसंबर महीने में फिर से नई लिस्ट जारी नहीं की है और दोस्तों वो जो लिस्ट जारी होती है उस समय आप सभी का नाम आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है अगर जो कटे हुए राशन कार्डों की अब लिस्ट आने वाली है उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अगर आपका कटा हुआ राशन कार्ड है वो उस समय जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल नई लिस्ट आती है तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों अगर बिल्कुल नई लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में आपका जो नाम है वो जरूर आ जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण यही है कि अभी तक नई लिस्ट जारी नहीं हुई है, कटे हुए राशन कार्डों की लिस्ट जारी हो रही है और जिसकी इनकम ठीक हो चुकी है और एक्सक्लूजन नहीं है उनका नाम उस लिस्ट में पहले भी आ चुका है और कुछ अगर राशन कार्ड बचे हुए हैं वो अब दोस्तों धीरे धीरे करके हर महीने जो लिस्ट आ रही है उन में उन फैमिलीज का नाम आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।